हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ, जिसे लुई हिल ने 1984 में लिखा था। ऑथर इस किताब के जरिए यही बताती हैं कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी हैं और वो मॉडर्न साइंस के डिजीज के सिम्टम्स पर सीधा वार करने के तरीकों को सही नहीं मानती हैं। उन्होंने हेल्थ को बनाए रखने के बहुत से तरीके बताए हैं जिसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी, मंत्रा और सेल्फ थेरेपी शामिल है। उन्होंने कुछ खास बीमारियों को उनके साइकोलॉजिकल कारणों से जोड़ने की भी कोशिश की है। वो समझाते हैं कि हमारे बिलीफ्स और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालते हैं। हमारी मेंटल लाइफ हमारी फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है, इसलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी कि रोग विज्ञान को ठीक करके उससे होने वाली फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्दी बिलीफ खुद से हीनता का है, जो हमें बहुत सी इंसानी परेशानियों को समझने और सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से किसी भी फिजिकल सिम्टम को ठीक किया जा सकता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और पैसे का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वो मानते हैं कि वो दोस्त या प्यार डिजर्व नहीं करते हैं और वो अपनी किस्मत को बना नहीं सकते हैं। ऑथर ने इससे पहले हील योर बॉडी नाम की एक और किताब भी लिखी थी जो बॉडी के इलनेस के बारे में है। इसी वक्त उन्हें पता लगा कि उन्हें कैंसर है, जो एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वो कहती हैं, बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ करने की काबिलियत ना होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की जरूरत होती है जो हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन तक ले आए हैं। परेशानी असल में परेशानी नहीं है, अपने बारे में वो अंधविश्वास है जो हमें पसंद नहीं है। वो इस भरोसे को और गहरा कर देता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। खुद को प्यार करना ही सेल्फ हीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों की जड़ ये सोच है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ और खुद से प्यार करने की कमी है। एग्जाम्पल के लिए, पैसे के ना होने के पीछे का कारण ये हो सकता है कि मैं पैसा पाने के लायक नहीं हूँ, और दोस्त ना होने का ये कारण ये सोचना हो सकता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। इन बिलीव्स के साथ बहुत से और आइडियाज, जैसे कि हम कौन हैं और किन नियमों के साथ हमें जीना चाहिए, ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं जब हम बहुत यंग होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी जिंदगी इन बिलीव्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइज का सुझाव देती हैं, जैसे मुझे ये करना चाहिए को मैं ये कर सकता हूँ से बदलें, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप दिखाई देने वाली परेशानियों के कारणों को चुन सकते हैं और ये समझें कि हमारे बहुत से बिलीव कहाँ से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं। एक बार हम ये समझ लें तो हमें एहसास होगा कि हम में बदलाव शुरू करने की ताकत है, क्योंकि ये सब दिमाग से ही शुरू होता है, तो इससे हमारा जिंदगी के सभी आउटकम्स पर पूरा पूरा कंट्रोल भी आता है। हमारे बिलीव्स ऐसे लड़के रोते नहीं हैं, या आप इस चीज में अच्छे नहीं हैं, यही हमारी असलियत बन गई है। इसलिए हमें उन्हें मानने से पहले उन्हें समझ लेना चाहिए, चाहे वो पास्ट में सच थे, जैसे कि हम बचपन में मानते थे कि अजनबी पर भरोसा मत करो, ये हो सकता है आज सच ना हो। पुराने और गलत बिलीव्स को जाने देना सीखने से ही हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसको कैसे बदले? आप अपनी जिंदगी और बदलाव के प्रोसेस पर काबू पा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने ही बदलने की रुकावट से उभरना होगा और अपने ख्यालों और भावनाओं को समझना होगा। इस वीडियो के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे बदलने की इच्छा को बढ़ाएं, जिसमें दिमाग की सफाई और अंदरूनी रुकावट को खत्म करना शामिल है। अपने दिमाग और ख्यालों को कैसे काबू करें और कैसे खुद को और दूसरों को माफ करें। पॉजिटिव बदलाव लाना बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है और हमें लगातार बीजों को पोषण करना होगा और कीड़ों को दूर रखना होगा। अब जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वो बढ़ता है, इसलिए नेगेटिव से दूर हटें, जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता हूँ या मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ, और जो आप करते हैं उस पर ध्यान दें, जैसे मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन में सोचना सीखें, प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास है। ऑथर हमारी सेहत के पालन पोषण का एक बेहतर तरीका बताती हैं, जिसमें आता है आपका शरीर, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की मदद से, आपका दिमाग, विजुलाइजेशन और अफर्मेशन की मदद से, और आपकी आत्मा, प्रेयर, मेडिटेशन, माफ करने और अनकंडीशनल लव से। हम जिस तरीके से सोचते हैं और बोलते हैं, उसी से हमारे शरीर को आराम और बीमारियां मिलती हैं। हम अपने शरीर में हर बीमारी अपने ख्यालों के पैटर्न से ही बनाते हैं। खास करके क्रिटिसिज्म, गिल्ट और डर के ख्याल हमारी सो कॉल्ड इलनेस का कारण है। माफ करना और इन ख्यालों को जाने देना और साथ ही हेल्दी न्यूट्रिशन और शरीर का ध्यान रखने से ही वेलनेस मिल सकती है। तो चलिए फिर इस बुक में दिए गए चैप्टर्स को और भी डिटेल में समझते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता इससे उनकी जिंदगी बदल जाए। What I believe, जिंदगी बहुत सिंपल है, जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या खराब जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। किसी इंसान, जगह या चीज के पास हमसे ज्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वही हम अपनी जिंदगी में भी पा लेते हैं।
हम जो भी सोचते हैं या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स उसे पूरी तरह सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। यूनिवर्सल पावर हमारी कभी निंदा नहीं करती है। हम इससे बहुत लोगों के पास इस बात के बहुत से फालतू आइडियाज होते हैं कि हम कौन है, और बहुत से कठोर नियम जिनसे हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। ख्यालों को बदलो और वो एहसास चला जाएगा। पास का हम पर कोई जोर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना वक्त हम नेगेटिव पैटर्न में रहे हैं। हम इस पल से आजाद होना शुरू कर सकते हैं। खुद से नेगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और खत्म हो चुका है। हम सब उसे नहीं बदल सकते हैं, पर हम कल के लिए अपने ख्यालों को बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट में होते हैं तो हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना मुश्किल हो सकता है। पहले तो डर को खत्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ करने की चाहत करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें पहले पता ना हो कि कैसे, या हम करना ना चाहते हों, पर फैक्ट ये है कि हमारे चाहने से ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आप बीमार हो, उन्हें ढूंढो जिन्हें आपको माफ करने की जरूरत है। उसका पता लगाएं जिसे माफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसे जाने देना सबसे जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीजों को सहना। यूनिवर्स सब जानता है। हम अपने दर्द को इतना अच्छे से समझते हैं। जिनको माफ किए जाने की जरूरत है वो भी दर्द में है। वो बस वही कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज पर काम करना है, खुद से प्यार करने पर। जब हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। हेल्थ, पैसा, रिश्ते बेहतर बनते हैं। वॉट इज द प्रॉब्लम? प्यार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये एक जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी और अपने शरीर और दिमाग के चमत्कार को ग्रेटिट्यूड देना होगा। अपनी कीमत ना समझना, खुद से प्यार ना करना है। वेयर डज इट कम फ्रॉम? हम हमेशा बदलते रहते हैं, हमारी एज, मैच्योरिटी, नॉलेज, पर हम हमेशा से परफेक्ट और अंतरात्मा से सुंदर हैं। हो सकता है हमारे एफर्ट से हमेशा आउटकम अच्छे ना हो, पर हमें जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है उसे जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जब हम ज्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीजों को अलग तरीके से करते हैं। मेंटल हाउस क्लीनिंग, पास्ट की ठीक से जांच करें और खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीफ को देखें। ये दुखदायी हो सकता है, पर ये जरूरी है। जैसे हम अपने घर को रोजाना साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर का कबाड़ रेगुलरली साफ करना चाहिए। दूसरों पर इल्जाम डालना परेशानी में रहने का ही तरीका है। इस तरीके से हम ताकत दूसरों को दे देते हैं। समझदारी से हम परेशानी से निकल सकते हैं और फ्यूचर का कंट्रोल हाथ में ले सकते हैं। वो लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है वो उतने ही घबराए हुए थे जितना आप डरे हुए हैं। वो और कुछ नहीं कर सकते थे, उनको नेगेटिव चीजें सिखाई गई थी। समझने से दया आती है। आप खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप दूसरों को आजाद ना करें। अगर आप उनसे परफेक्शन की डिमांड करेंगे तो वो सेम डिमांड आपसे करेंगे और आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। हम सब अपनी भव्यता को पहचानना चाहते हैं। हम सबको अपने नेगेटिव बिलीफ से ऊपर उठना है। इज इट ट्रू? क्या ये सच है? ये हमारी चॉइसेस और बिलीफ पर डिपेंड करता है। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने ख्यालों को समझें। हम जो भी मानते हैं वो असलियत बनता है। परेशानियां ख्यालों का पैटर्न होती है जिन्हें बदला जा सकता है। अगर हम रेनकोट पहने या छाते का इस्तेमाल करते हैं और अपने एटीट्यूड को बदलें तो हम एक बरसाती दिन का मजा ले सकते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि ये घटिया दिन है और हम बारिश का स्वागत एक ठंडे मन से करें तो हम प्रेजेंट मोमेंट का फन मिस कर देंगे। खुशहाल ख्याल, खुशहाल जिंदगी। प्यार भरे ख्याल, प्यार भरी जिंदगी। हर पल एक नई शुरुआत है। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हम आज से बदलना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, आप ही अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ख्याल जो इतनी तेजी से बहते हैं उन्हें चेक करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। जो बोलना है उसे सुने, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सेंटेंस के बीच में रुके, उसे दोबारा बनाए या ड्रॉप कर दे। भावनाएं और भी ज्यादा अच्छी इंडिकेटर होती हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो कुछ करना नहीं होता है इससे पहले हम कुछ करें। हमें बस कुछ जानना होता है। What do we do now? बदलाव करने में रुकावट गुस्से के रूप में भी आ सकती है। हाउस क्लीनिंग। कुछ ख्यालों को सिर्फ पॉलिशिंग की जरूरत होती है जो हम खुशी खुशी कर देंगे। कुछ ख्यालों को ठीक करना पड़ सकता है जिसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ ख्याल बदबूदार कूड़े की तरह हो सकते हैं जिन्हें बस फेंक देने की जरूरत है। बदलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। किसी भी एक से शुरुआत करें, पर उसमें सभी एरियाज को इंक्लूड करें। कुछ की शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से हो सकती है। जब हम घर साफ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम शुरू कहां से करें। जहां से आपका मन हो वहां से शुरू करें, बाकी सब कुछ लगभग खुद ही हो जाएगा। जिंदगी भर नेगेटिव मानसिक ख्यालों में रहने के बाद मानसिक घर को साफ करना आपको मेंटल और फिजिकल रुकावट के कारण बुरा महसूस करवा सकते हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज। पास्ट में हमने अनजाने में इस ताकत का इस्तेमाल उन चीजों को बनाने में किया है जिसका हम अनुभव नहीं करना चाहते थे। आज हम जागरूक और जिम्मेदार हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते हैं।
हम सबको बहुत से लेसन सीखने हैं। जो चीजें मुश्किल हैं वो भी लेसन ही हैं। अजम्पशंस ये बेकार हैं, बिलीव्स ये गलत हैं, वो पसंद नहीं करेंगे, भगवान शायद पसंद ना करे। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, मैं बहुत बूढ़ा, जवान, लंबा, छोटा, मोटा, पतला या गरीब हूँ। डीलिंग, मैं बाद में करूँगा, वक्त सही नहीं है, मैं बिजी हूँ। डिनायल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शायद फेल हो जाऊँगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लीव योर फ्रेंड्स अलोन, जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है हम अक्सर उसे दूसरों से बांटना चाहते हैं, पर हो सकता है वो उस वक्त बदलाव के लिए तैयार ना हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दूसरों के लिए सही से काम ना करें। खुद को बदलना ही बहुत मुश्किल है। जब दूसरे ना चाहते हों तो उन्हें बदलने की कोशिश रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी पूरी तरह से गायब है। जब हम नेगेटिव थॉट से दूर भागते हैं तो हम बचने के लिए अनहेल्दी तरीके ढूंढने लगते हैं, जैसे कि ज्यादा खाना। हाउ टू चेंज प्रिंसिपल्स, इच्छा, पालन पोषण, जाने देना, दिमाग को काबू करना, दूसरों और खुद के लिए माफी। कभी कभी जब आप शुरू करते हैं तो चीजें और बदतर हो सकती हैं, पर हमें डटे रहना होगा। जानने के बाद आपको एहसास होगा कि असल कारण कुछ और ही था। पास्ट को आपको पकड़कर ना रहने दे। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उनको पता भी नहीं था और शायद उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। रिलीजिंग, यादों से इमोशनल अटैचमेंट को अलग करें। हम उन कपड़ों को नहीं पहनते हैं जिन्हें हम तब पहना करते थे जब हम 5 साल के थे। वो सिर्फ एक याद है, बिना किसी इमोशन के। सब कुछ वैसा ही क्यों नहीं हो सकता है। बिल्डिंग द न्यू, हमारे अंदर जवाब आसानी से हमारी अवेयरनेस से आते हैं। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वो बढ़ता है। अपनी और अपनी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स आपको पसंद नहीं थी वो आज भी आपके साथ है। बीज बोएं, शांत रहें। प्यार और मंजूरी एक सेफ्टी का दायरा और भरोसा बनाते हैं। क्या आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं, नई जॉब को अट्रैक्ट करते हैं। डेली वर्क, मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। खुद को हमेशा सपोर्ट करें। जब तक आप नियमों को मानते हैं आपका काम नहीं बनता है। जो आप हैं या जो आप करते हैं उससे प्यार करें। खुद पर और जिंदगी पर हंसें, और कोई आपको छू भी नहीं सकता है। सब वैसे भी टेम्प्रेरी है। अगली जिंदगी में आप चीजें अलग तरीके से करेंगे तो अभी क्यों नहीं। ड्रीम स्टेट में डिजास्टर्स की जरूरत नहीं है, इस स्टेट में सिर्फ सफाई की जरूरत है। आप सोने से पहले कुछ भी पूछ सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। हो सकता है सुबह तक आपको सवालों का जवाब मिल जाए। चैन से सोएं। जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा करें। सब कुछ आपकी खुशी और अच्छे के लिए ही है। काम मजेदार है। हंसी का इस्तेमाल करें। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक ही चीज है, बस नजरिए का फर्क है। रिलेशनशिप्स, रिश्ते हमारा आईना होती हैं। जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमें दिखाई देता है, चाहे वो रिश्ते की अच्छाइयाँ हो या उसके बिलीव्स। अगर वो आपकी जिंदगी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। प्यार तब मिलता है जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है। प्यार की हंटिंग करने से सही पार्टनर कभी नहीं मिलता है, इससे सिर्फ अनहैप्पीनेस ही मिलती है। प्यार कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सब्र रखें, स्टैंडर्ड सेट करें, खुद में ही क्वालिटीज की लिस्ट बनाएं। इनको कौन दूर रखता है? क्रिटिसिज्म, लायक ना होने का एहसास, अनरीजनेबल स्टैंडर्ड्स, एक बिलीव कि आप प्यार किए जाने लायक नहीं है। वर्क, लास्ट जॉब को, लोगों को, ऑफिस और हर किसी को ब्लेस करें। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उसे प्यार से किसी और को दें। ऐसा सोचें और बोलें, मैं पूरी तरह से ओपन हूँ और बेहतरीन नई पोजीशन पाने के लिए तैयार हूँ जो मेरे हुनर और काबिलियत का इस्तेमाल करे। मैं वहाँ हर किसी को प्यार करता हूँ। अगर कोई आपको काम पर परेशान करता है तो आप जब भी उसके बारे में सोचें तो उसे प्यार से ब्लेस करें। हम सब में हर तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। हम सब या तो हिटलर बन सकते हैं या मदर टेरेसा। अगर दुख हो तो खुशी अफर्म करें। अगर कठोर हो तो कोमल और दयालु अफर्म करें। अगर आप एक इंसान में सिर्फ अच्छी क्वालिटीज देखते हैं तो वो भी आपके लिए वैसा ही रहेगा, चाहे वो बाकियों के साथ कैसा भी बर्ताव करे। सक्सेस, अनुभव का नियम सबसे परफेक्ट होता है। अगर कोई गलती होती है तो सिर्फ हमारी वजह से। अगर सफल ना हो, गलती को पहचाने और दूसरा रास्ता ट्राई करें। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपनी जिंदगी में सफलता से सफलता की तरफ बढ़ें। और खुशी के लिए भी ऐसा ही है, पर सफलता और खुशी को सही मायनों में समझा जाना चाहिए। जब भी हम स्टैंडर्ड्स, उम्मीदों या गोल्स को बहुत ऊंचे रख लेते हैं तो हम हमेशा फेल ही होते हैं। तो खुद को ये ना बोलें कि आप स्टूपिड हैं, क्लमजी हैं या फेलियर हैं। प्रैक्टिस का पर्पस सीखना है। गलतियां होंगी, ये एक ट्रेनिंग है। कुछ भी नया करने को मना ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो कैसे करें और आप बेवकूफ नहीं दिखना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का। आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहें और वो बढ़ेगा। जो भी अभी जिंदगी में है उसे प्यार से ब्लेस करें। इन्विटेशन, गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स को खुशी से एक्सेप्ट करें। नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं, रेफ्रिजरेटर, अलमीरा साफ करें।
जिन भी चीजों का लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे छुटकारा पाएं। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका मन भी बिखरा हुआ ही होगा। द बॉडी, हमारा शरीर हमेशा हमसे बात करता है। हमारे शरीर का हर सेल हर एक ख्याल को रिस्पॉन्ड करता है, जो भी आप सोचते हैं और हर शब्द जो आप बोलते हैं। टेंशन है स्ट्रांग ना होना, ये कमजोरी है। रिलैक्स होना और शांत रहना ही असल में स्ट्रांग और सिक्योर होना है। गुस्सा खुद एक्सप्रेस करने का रास्ता ढूंढ ही लेगा, चाहे हम उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें। जो भाव बनी है उसे रिलीज करना जरूरी है। इसे सिंपली ये कहकर रिलीज किया जा सकता है कि मैं इस बारे में गुस्सा हूँ। हम पलंग को पीट सकते हैं, या कार में चिल्ला सकते हैं, या टेनिस खेल सकते हैं। ये गुस्सा रिलीज करने के बिना नुकसान वाले तरीके हैं। स्पिरिचुअल लोग अक्सर ये मानते हैं कि उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हालांकि हम उसके लिए काम करते हैं। पर जब तक हम वहां ना पहुंच जाएं, ये मानना ही अच्छा है कि हम उस पल में कैसा महसूस करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से दिमाग भर जाता है और प्यार खुशी के लिए कोई जगह नहीं बचती है। हंसी नहीं आ सकती अगर उसे आजाद ना छोड़ा जाए। लाइफ सीरियस तब तक नहीं होगी जब तक हम उसे ना बना दें। मैं हमेशा खुश हूँ, हर दिन मैं और बेहतर महसूस करता हूँ, ये सोचना बहुत जरूरी है। हर ख्याल जो भी आप सोचते हैं वो हमारा भविष्य बना रहा है। हम सब अपने अनुभव, अपने ख्याल और भावनाओं से बनते हैं। जो ख्याल हम सोचते हैं और जो शब्द हम बोलते हैं वही हमारा अनुभव बनाते हैं। अगर हम मेंटल वर्क करने की इच्छा करें तो लगभग हर चीज हील हो सकती है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारा सच बन जाता है। हर कोई अपनी जिंदगी के बेस्ट और वर्स्ट के लिए जिम्मेदार है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन 14 लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से हील कर पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।